विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, फर्स्ट क्लास के बच्चों, हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? अपन लास्ट वीडियो में चूहो म्याऊ सो रही है, कौन सा पढ़ रहे थे? चूहो म्याऊ सो रही है। तो बेटा, कल हम लोग उसको स्वाध्याय में से पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हमें कहानी पढ़नी है, तो आज अपनी किताब कौन सी हो गई? आज हमको कहानी पढ़नी है तो अपनी किताब हो गई पाठ्य पुस्तक। कौन सी हो गई? पाठ्य पुस्तक। जब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं तो वो कौन सी होती है बेटा? स्वाध्याय होती है ना। तो आज हमें पाठ पढ़ना है तो अपन की हो गई पाठ्य पुस्तक। तो बेटा देखो, इसमें आज पाठ है कौन सा है? लकड़ी ककड़ी लकड़ी। कौन सा है? लकड़ी मकड़ी ककड़ी लकड़ी। तो इस पाठ के लिए आज इस पाठ को हमको पढ़ना है, मतलब इसको हमको आज इसकी कहानी करनी है। देखते हैं अपन। तो देखो, ये वाला पाठ अपना है, केवल इसको कविता है इसकी अपने पास, और कुछ भी नहीं है। इसका हमको प्रश्न उत्तर भी नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है। केवल ये तीन चीज जो एक जैसी बोली जाती है उसके ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी कविता है। जैसे देखो, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, तो ये तीनों एक से ही शब्द आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग तीन एक सी बोलते हैं, एक जैसी आवाज़ निकलती है, उसके ऊपर ये सुंदर सी कविता है। चलो मेरे साथ एक बार ध्यान देखो। हमने तीन चीज़ें देखी, दादा तीन चीज़ें देखी। बच्चे अपने दादा से बोलते हैं, हमने तीन चीज़ें देखी, दादा तीन चीज़ें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी। मकड़ी को पता है, मकड़ी देखी आप लोगों ने जो जाला बनाती है ना। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। एक डाल पर मकड़ी थी और उस डाल की लकड़ी पर मकड़ी बैठी थी। मकड़ी खा रही थी ककड़ी। एक डाल पर एक मकड़ी थी, लकड़ी के ऊपर मकड़ी बैठी थी, और मकड़ी क्या खा रही थी बच्चों? ककड़ी खा रही थी। ककड़ी जानते हो, जिसको खीरा भी बोलते हैं, है ना। तो वो ककड़ी खा रही थी। लकड़ी मकड़ी ककड़ी मकड़ी ककड़ी लकड़ी 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 मकड़ी, ठीक है। ये कहानी देखो कितनी सुंदर लग रही है। हमने तीन चीज़ें देखी, दादा तीन चीज़ें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। मकड़ी खा रही थी ककड़ी, लकड़ी मकड़ी ककड़ी मकड़ी ककड़ी लकड़ी। और फिर क्या है? ककड़ी लड़की मकड़ी। चलो अब आगे देखते हैं बेटा इसको, है ना। आगे क्या देता है? बोलता है, हमने तीन चीजें देखी, दादा तीन चीजें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू। एक खेत में कुछ थी बालू। बालू जानते हो, जो छोटी छोटे रेती होती है उसको कहते हैं अपन बालू, ठीक है। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू। भालू खा रहा था आलू। आलू पता है सबको पसंद है। देखो उधर मकड़ी ककड़ी लकड़ी एक सी हो गई, यहाँ बालू भालू और आलू आ गया, तीनों में एक सा शब्द आ गया। फिर देखो नीचे क्या लिखा है, बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू, ठीक है। ये इस तरह की अपनी एक सुंदर सी अच्छी सी कविता है। इसको क्या करना है अपन को? अपन को इसको एक बार CW में सुंदर सुंदर अक्षरों में और एक बार HW में लिख लेनी है। कितनी बार लिखना है बेटा? HW में एक बार और CW में भी एक बार लिखना है अपन को, ठीक है। सुंदर सी मजा सी एक कविता है। तो ये वाली कविता एक बार और पढ़े बेटा हम लोग। चलो एक बार और। मकड़ी ककड़ी लकड़ी, हमने तीन चीज़ें देखी, दादा तीन चीज़ें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। मकड़ी खा रही थी ककड़ी, लड़की लकड़ी मकड़ी ककड़ी मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी ककड़ी मकड़ी, है ना। फिर क्या बोलते? तीन चीज़ें देखी, दादा तीन चीज़ें देखी।
एक खेत में थी जी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू, बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है बेटा, इसको अपन को सी डब्लू में एक बार लिख लेना है और एक बार एच डब्लू में लिख लेना है। और जिस तरह से दो लाइन छोड़ के गैप किया हुआ है, उस तरह से जैसे इसमें लिखा है उस तरह से ही आपको लिखनी है। ठीक है, ये अपनी कॉपी में एक बार सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लेना है। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कौन सा पार्ट, बंदर और गिलहरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, बंदर और गिलहरी वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही।